क्रिएटिव हेल्पिंग हैंड पर अपलोड हुई वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। हाय फ्रेंड्स, आई एम नायला जहरा एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लू हेवन सॉफ्ट काजल आईलाइनर के रिव्यू। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि मेरी न्यूली अपलोडेड वीडियोस आप मिस ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो एज यू कैन सी दिस इज ब्लू हेवन न्यू इम्प्रूव लॉन्ग स्टे फार्मूला सॉफ्ट काजल आईलाइनर। इट कम्स इन दिस काइंड ऑफ आउटर पैकेजिंग। इट सेज लॉन्ग लास्टिंग इंटेंस कलर्स मच प्रूफ वाटर प्रूफ। It says the long wearing kajal eyeliner provides a desired intense lines with even smooth application. Here are some special tips and tricks for even application. Ensure that the tip is sharp. An exclusive sharpener for the same is provided on the bottom lid. Do not apply if your eyes are allergic to any chemical or wax. Also consult doctor if you are applying any medicine on your eyes. 0.31 ग्राम प्रोडक्ट है ये और इसकी MRP है 125 रुपीस। अकॉर्डिंग टू प्राइस इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। मैंने इनके टू शेड्स परचेज किए हैं, ग्रीन एंड ब्लू। इनके लोअर लिड में एक छोटा सा शार्पनर दिया हुआ है जिसकी हेल्प से हम इनके टिप को शार्प कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि शार्पनर इस लाइनर से अटैच्ड है। मोस्टली टाइम जब हमें लाइनर्स को शार्पन करना होता है तो शार्पनर को यूजली हमें ढूंढना पड़ता है, जो इन लाइनर्स के साथ नहीं होने वाला क्योंकि ये इसमें अटैच्ड हैं। अगर लाइनर की पैकेजिंग की बात करें तो ओके टाइप पैकेजिंग है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट या वाव फैक्टर नहीं है, सिंपल सी ही पैकेजिंग है। प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग पैकेजिंग ठीक ठाक है। वन बाई वन दोनों शेड्स को स्वॉच करके दिखाती हूँ। बेसिकली ये रोल ऑन टाइप काजल और आईलाइनर है। सबसे पहले मैं ब्लू दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी इंटेंस ब्लू शेड है ये, पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है इसकी। टेक्सचर वाइज ये काफ़ी स्मूथ है, बहुत ही ईजिली ये आपकी वाटर लाइन या आईलिड पर अप्लाई हो जाते हैं। किसी भी तरह का इन्फेक्शन, इरिटेशन या वाटरी आई की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है। आप देख सकते हैं ग्रीन शेड भी काफ़ी इंटेंस है, पिगमेंटेशन वाइज ये काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंटेंस हैं। आपको इन्हें बहुत ज़्यादा बिल्डअप करने की ज़रूरत नहीं है। इट सेज के लॉन्ग लास्टिंग है, इंटेंस कलर है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि लॉन्ग लास्टिंग है, कलर भी इनका काफ़ी इंटेंस है, वाटर प्रूफ भी हैं ये, लेकिन स्मच प्रूफ नहीं है। बहुत ईजली स्मज नहीं होते हैं ये, लेकिन हाँ थोड़े से स्मज होते हैं। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा टच करके दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं। तो आप जब भी इनको अप्लाई करें तो ध्यान रखें कि अपने आई एरिया को आप टच ना करें, अदरवाइज ये थोड़ा सा स्मज हो जाते हैं। सो बेसिकली ये स्मज प्रूफ नहीं है, बट 125 रुपीज़ की रेंज में ये काफ़ी अफोर्डेबल लाइनर्स हैं जो कि क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे हैं। कलर पे ऑफ काफ़ी अच्छा है इनका, पैकेजिंग भी चीप नहीं है और बेस्ट चीज़ ये है कि ये रोल ऑन है। अगर आपको पॉइंटेड टिप चाहिए तो इनके साथ अटैच शार्पनर भी है। इस तरह से आप शार्पनर की हेल्प से इनको शार्पन भी कर सकते हैं। जनरली रोल ऑन आईलाइनर्स के साथ इस तरह के शार्पनर्स नहीं आते हैं, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो फ्रेंड्स, क्वालिटी वाइज ये आईलाइनर्स काफ़ी अच्छे हैं, प्राइस रेंज भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अफोर्डेबल हैं ये, यूज़ करने में बहुत ही कन्वीनियंट हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग हैं या फिर बिगिनर्स हैं तो आप इन आईलाइनर्स को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं और आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, बाय बाय।